बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कल सोमवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज रविवार की सुबह वे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल IRCTC टेंडर घोटाले मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पटियाला कोर्ट में 19 नवंबर को पेशी है। इसे लेकर कोर्ट ने दोनों को समय भेजा था। गौरतलब है कि IRCTC टेंडर घोटाला मामले में राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी 14 आरोपी फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। इसलिए इसी मामले में लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं, लेकिन वे फिलहाल रांची के रिम्स में एडमिट हैं। लालू चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं। राबड़ी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि CCTV मामले पर हम जनता की निगरानी में हैं, ये अच्छी बात है। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मौजूद थी। राबड़ी देवी ने लालू की तबीयत को लेकर चिंता जताई और कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है। इतना ही नहीं, इस मामले में ED ने कोर्ट से कहा कि IRCTC होटल आवंटन धनशोधन मामले के सिलसिले में राबड़ी देवी समेत अन्य को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। मालूम हो कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के रांची और पूरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का कार्य एक निजी कंपनी को दिया था। इसके बदले में उन्होंने पटना में 3 एकड़ की जमीन अपने परिवार के नाम पर लिखवाई थी।